वेलकम इन मैथ यूनिवर्स। इस वीडियो में हम क्लास 9 के चैप्टर सर्कल में एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। इफ़ डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर्स ऑफ द सर्कल थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल प्रूव दैट इट इज़ अ रेक्टेंगल। कह रहा है कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, क्योंकि इसके वर्टिसेज ए सर्कल पर है, ठीक है। और इसके डायगोनल जो है वो डायमीटर है, ए ओ सी क्या एक डायमीटर है, डी ओ बी क्या एक डायमीटर है। तो ए सी और पी डी ये डायगोनल के साथ साथ ये इस सर्कल के डायमीटर भी है, ठीक है। तो हमें प्रूफ करना है कि इट इज़ अ रेक्टेंगल। तो ये जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है। तो रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए कुछ कंडीशन होते हैं, जैसे ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल में जो डायगोनल होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन कि उसके डायगोनल्स, दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब ये डिस्टेंस इक्वल टू ये इज इक्वल टू ये, ठीक है। तो ये दो कंडीशन अगर इसमें पूरा होता है तो ये जो होगा ये क्या होगा, एक रेक्टेंगल होगा, ठीक है। तो यहाँ हम गिवन में लिख लेंगे ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रेटरल, ए बी सी डी इज साइक्लिक क्वाड्रेटरल हो डायगोनल्स ए सी एंड बी डी आर डायमीटर्स ऑफ अ सर्कल। ये ए सी और बी डी क्या है, डायगोनल डायमीटर ऑफ अ सर्कल है, ठीक है। प्रूफ क्या करना है हमें, ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल प्रूफ। तो हम जानते हैं कि सर्कल के सभी रेडियस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सिंस सिंस ऑल द रेडी ऑफ सर्कल आर इक्वल, इसलिए ओ ए इक्वल टू ओ सी होगा, ओ ए इक्वल टू ओ सी होगा, ठीक है। और ये डायमीटर है तो डायमीटर डबल होता है रेडियस का, तो ये हो जाएगा इक्वल टू हाफ ए सी, ठीक है। उसी तरह से ओ बी इक्वल टू ओ डी इक्वल टू हाफ बी डी, ठीक है। एंड ऑल्सो ओ ए इक्वल टू ओ बी, ओ ए इक्वल टू ओ बी, ओ सी इक्वल टू ओ डी, यानी कि ये रेडियस है, ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, इसलिए ए सी इक्वल टू बी डी होगा, ए सी इक्वल टू बी डी, यानी डायमीटर्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पर पहला कंडीशन था मेरा कि एक दूसरे को बाइसेक्ट करने चाहिए, तो ये इक्वल टू ये है, यानी ओ बी इक्वल टू ओ डी है, ठीक है। ओ ए इक्वल टू ओ सी है, ओ ए इक्वल टू ओ सी है, तो ये बाइसेक्ट हो गया। और दूसरी बात कि ए सी इक्वल टू बी डी है, ए सी इक्वल टू बी डी, यानी डायमीटर इक्वल है, इसलिए इसलिए क्वाड्रेटरल ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, ठीक है। और यहाँ पर हम लिख लेंगे ये कि डायगोनल्स, यहाँ पर इससे पहले डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर, इसलिए ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, ठीक है।